है गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरती भारद्वाज ब्लॉगर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और टाइम 10 बजने वाला है और अभी तक हम बिस्तर पे ही हैं, क्योंकि आज नहाना है ठंडे पानी से। जैसे ही मैं नहाने जा रही थी, लाइट चली गई और ताज़ा ताज़ा पानी आना हो गया बंद। तो बासी पानी से नहीं नहा सकते बिल्कुल भी, टैंकी के पानी से बहुत ठंडा है वो पानी। तो हम लाइट का वेट कर रहे हैं कि लाइट आएगी तो हम फटाफट से ताज़ा पानी से नहाएंगे। और आप लोगों के वहाँ पर क्या क्या बनता है ज़रूर बताना। हमारे वहाँ लड्डू बनता है। तो जब बचपन में ना हमें ठंडा नहीं दिखता था बिल्कुल भी, क्योंकि नहा के ही खाते हैं मकर संक्रांति में, तो ठंडा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। सिर्फ हमें लड्डू दिखते थे कि नहाएंगे तो हमें लड्डू मिलेगा, तिल का और चूड़े का, बहुत सारी चीज़ें। तो फटाफट सुबह उठते ही मैं नहाती थी, इतनी एक्टिव थी मैं बचपन में। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा आलसी हुई और वो आलसी इस मैंने कैसे बना दिया। तू लेटा हुआ था ना, इसलिए मैं भी लेट गई तेरे साथ। तो मैं लेटा हुआ, मैं अपने बिस्तर में लेटा हुआ। यहाँ देखिए लेक्चर बोल रहा था, आ जाओ मिली दीदी, आ जाओ आ जाओ। मैं तो आराम से सो रहा था, आई क्यों आप? तो लाइट आ जा रहे ताकि हम नहाए और तिल के लड्डू खाए, मजा आएगा। आशु तो नहाने जा रहे हैं, आशु गर्म पानी से नहा रहा है क्योंकि उसकी तबीयत हो जाती है खराब बार 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 बार। और अभी एग्जाम आने वाले हैं तो हम इसके हेल्थ के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वैसे भी इसने ट्वेल्थ के ना जितने एग्जाम हुए वो सारे तो छोड़ दिए, बस अब बोर्ड एग्जाम तो हमें दिलवाना ही है, चाहे कैसे भी दिलवाए, है ना आशु? क्योंकि इसकी तबीयत ही खराब हो जा रही है बार 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 बार। तो फाइनली मैं उठ गई, ब्रश कर लिया, अब मैं कर रही हूँ गर्म पानी नहाने के लिए। ठंडे पानी की हिम्मत खत्म हो गई, लाइट आ नहीं रही है। और यहाँ देखिए, मैं दिखाती, ये यहाँ मम्मी नहा धो के कर रही है पूजा, क्योंकि मम्मी पहले ही नहा गई थी। उस टाइम पे लाइट आ रही थी, ताजे ताजे पानी से लाइट नहीं आ रही, पर अंधेरा अंधेरा हो रहा है। और ये देखिए माता रानी को पहना रही है मम्मी येल्लो ड्रेस, और कान्हा को भी येल्लो ही पहनाया होगा, कहीं तो बैठे होंगे। बोल रहे थे कि मेरी वजह से लेट हुए और मैं नहा धोकर पूजा भी करने लग गया। तेरी वजह से ही हुआ लेट, तू सो गया था दोबारे। ये सो रहा था तो मुझे आलस आ गई और मैं फिर से बिस्तर में घुस गई आशु के साथ। आशु भाई मेरा। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर हम बनाएंगे सब्जी, दम आलू बनाऊंगी, उसका मैं रेसिपी भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ दूसरे ब्लॉग में। तो प्लीज आप लोग रेसिपी देखना, और बहुत ही ज्यादा यम्मी बनता है, बहुत ज्यादा। अबे तो लाइट तो है नहीं, प्यूरी कैसे बनाएंगे? करेंगे हम इंतजाम, करेंगे कुछ ना कुछ। तो फाइनली मैं नहा के पूजा करके आ गई हूँ। पूजा तो क्या, मम्मी ने सारा पूजा कर दिया था, मैंने सिर्फ हाथ जोड़ा, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। अब उसके बाद जा रही हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए, कुछ ना कुछ तो, मतलब खाना क्या, आज तो ऐसे भी चूड़ा वगैरह ही खाते हैं दिन के टाइम पे। मैं सब्जी वगैरह का देखती हूँ, सब्जी में क्या बनाना है, मतलब सॉस तो लिया है, दम आलू बनाना है और कद्दू की सब्जी बनानी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। तो देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से बनाया है मैंने दम आलू। ये देखिए, वाओ। मैंने दम आलू बना दिया है और उसके रेसिपीज में बहुत जल्दी से शेयर करने वाली हूँ, और ये खा के बताएगा कैसा बना है। खाने को ऐसे नहीं बोलते हैं कंजड़, अगर अच्छा नहीं लगेगा मत खाइयो। लेकिन ए क्या करना हो रहा, ये देखो। अरे बस करो यार, बाल खराब है। ओ माय गॉड, यहाँ मम्मी सबके लिए स्पेशल स्पेशल डिश लेके आ रही है और बोल रही बर्तन लेके आओ, घंटी बज गई हमारे खाने की। ये तो हम आ गए हैं छत पे खाने के लिए, और ये देखो ये वेट भी नहीं कर रही, खाई जा रही, और मम्मी ने तो खा भी लिया। तो ये दिखाती हूँ मैं, ये देखो मम्मी खा रही है पूरा का पूरा, और ये यहाँ भी खाया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं मेरा भी वैसी की वैसी है। तो ये ज़्यादा कैपेसिटी थी नहीं चूड़े के लड्डू की, बस मैंने तिल के लड्डू लिए, थोड़े से चूड़ा और दही चिन्नी, कद्दू की सब्जी और दम आलू। तो हमारे वहाँ यही सब खाते हैं, चूड़ा दही
तिल के लड्डू, कद्दू की सब्जी, दम आलू तो मैं बनाने लग गई हूँ। पहले तो सिर्फ कद्दू की सब्जी वगैरह ही बना देते थे, बट आलू गोभी की सब्जी नहीं बनती, आलू गोभी मुझे आलू गोभी मटर की सब्जी बनाती थी मैं। दम आलू मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ही नहीं सबको पसंद है। आशु मम्मी, मम्मी तो मम्मी का हमें पता ही नहीं मम्मी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मम्मी बताती नहीं है, बट पापा को बहुत ज्यादा पसंद है दम आलू। तो हम लोगों ने यही सब बनाया है और खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मजे। धूप में ना आजकल धूप बहुत अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है धूप में बैठने में। तो गाइस मैंने खा पी लिया है और अब मैं करूंगी सिलाई, जिसके लिए देखो ये ब्लाउज स्टिच करना है। आज के डेट में सोच रही हूँ मैं कंप्लीट कर दूँ, बट देखते हैं कंप्लीट होता है नहीं होता है। इनफैक्ट मैं दो ब्लाउज सोच रही थी आज मैं कंप्लीट करने को, लेकिन मुश्किल लग रहा है, टाइम ज़्यादा हो गया। कितना टाइम हो गया, 2 बज गए हैं। तो पता नहीं होता है नहीं होता, बट कोशिश मेरी यही है कि रात तक मैं कर दूँ जैसे तैसे। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, फिर शाम का दिखाऊंगी मैं क्या बना रही हूँ। शाम को खिचड़ी ही बनेगा वैसे तो, बट देखते हैं, मैं बहुत यम्मी खिचड़ी बनाऊंगी। खिचड़ी में भी जायका डालूंगी, जायका। और मैं किसी एक लड़के से पूछती हूँ दम आलू कैसे लगा, उसने अपना रिव्यूज ही नहीं दिया मेरे को। तो आ गई हूँ मैं एक लड़के के पास, बस बैठ जाती हूँ जरा आराम से। ये कर रहा है पढ़ाई। तो ए लड़के, क्या तो आपको दम आलू कैसा लगा? ठीक ठाक था, बट मिर्ची ज्यादा था। हाँ वो मैंने थोड़ा स्पाइसी, मैंने हरी मिर्च ना चिंकी ने ज्यादा काट दिया था, मेरी छोटी सिस्टर ने, तो वो मैंने सोचा कि चलो इतनी मेहनत करी है तो मैं सारी मिर्ची डाल वैसे देती वैसे नहीं गाइस। दीदी को पता है मेरे मुंह में छाला हो रहा, और अगर मिर्ची ये ज्यादा खा गए ना छाले सही होते हैं। ना ना, ये दीदी ये चाहती है कि मैं खा ना पाऊँ, इसीलिए इतना मिर्ची डाला। नहीं रियलिटी यही है, रियलिटी रे, यही है। मेरा जान ना ना ना, तू तो मेरा जान रियलिटी यही है। आप खिलाना ही नहीं चाहते थे। पागल, मिर्ची खा के ना छाले सही होते हैं, पता है ना आप कौन लोगों से को बुक में भी। लिखा हुआ? ये बड़े बुजुर्ग का तजुर्बा, बड़े बुजुर्गों का जो तजुर्बा है बड़े ना, बड़े से आने कहकर गए। बड़े बुजुर्ग कह के मर चुके हैं कि छाले होते हैं तो मिर्ची ज्यादा खाने चाहिए, और उसके बाद लार टपका देना चाहिए, मिर्ची मिर्ची सही हो जाता है, बोलने में छाले सही हो जाते हैं। सच्ची में, सच्ची में खाना और आज हम जाने वाले थे इस्कॉन, बट हम गए नहीं, है ना आशु? आशु अभी तक गया नहीं है, घर के बगल में इस्कॉन है और आशु गया नहीं अभी तक। पता नहीं कब बुलाएंगे कान्हा जी इसको, है ना आशु? वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, सीधा ही वृंदावन का छलांग लगा रहा। तो मैं अब सिलाई करती हूँ, इसके पास बैठ के तो टाइम ही पास होता रहता है, और फिर मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे कुछ काम भी करना था पूरे दिन। अगर ये मेरे को नहीं दिखता है ना तो मेरा मन ही नहीं लगता है ना आशु? मैं क्या बोलता हूँ कि आप मेरे पास रहो, जाओ अपना काम धाम करो, जाओ जाओ यहाँ से। सिद्धि खुशी है नहीं, हम उसको भी मिस कर रहे हैं। तो अब शाम हो गया है और अब मैं करूंगी शाम की पूजा। टाइम कब चला गया पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो मैं दिखाती हूँ, भगवान जी का दर्शन करवाती हूँ आप लोगों को, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ शाम का। तो ये देख सकते हैं लड्डू को, ये देख सकते हैं आप मेरे सारे भगवान जी, ये देखिए। तो हमारा खिचड़ी बनके बिल्कुल रेडी है और अब हम खाएंगे। पापा को ना इसमें गिलास में पानी रख के, अरे वो गुनगुना ही है, और अब हम खाएंगे। आशु कर रहे हैं काम में, देखो ये पानी दे रहे हैं पापा को।
और ये देख सकते हैं, दिखाती हूँ मैं, ये बनाया है मैंने खिचड़ी, और ये सब्जी जो बची हुई है वो है, और ये पापड़। कितने मिनट का ब्रेक है तेरे को? ब्रेक 15 मिनट का खत्म हो गया तो अबे तो गाइस मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। हो गया मकर संक्रांति का त्यौहार भी ख़त्म, अब कौन सा त्यौहार आएगा पता नहीं, शायद बसंत पंचमी है। तो गाइस कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अब मैं सो रही हूँ क्योंकि मुझे आ रही है नींदी। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।